the books should I follow to crack AIIMS BSc Nursing Entrance Exam 2025? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, AIIMS BSc Nursing के अंदर सिलेक्शन चाहते हो नेक्स्ट ईयर 2025 के एंट्रेंस एग्जाम में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा कि आप कौन सी बुक फॉलो करते हो. एक चीज, एक लाइन मैं तुम्हें आज स्टार्टिंग में बोलूंगी और इस लाइन को तुम्हें एंड तक लेके चलना है जब तक तुम्हारा ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता. वो बात ये है, 10 बुक को तुम एक एक बार पढ़ोगे, इससे ज्यादा बेटर है एक बुक को 10 बार पढ़ो टिल द एंड. सबसे ज्यादा बेस्ट स्ट्रैटेजी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने की यही रहती है. तुम मुझसे पूछो दीदी क्या पढ़े, क्या करें, क्या कैसे करें कि हमारा AIIMS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाए, हमें AIIMS में एडमिशन मिल जाए, हम AIIMS दिल्ली में जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज है वहां से BSc नर्सिंग करें, तो आज एक बात याद रख लेना, मैं कुछ बुक्स के ऑप्शन दूंगी, तुम्हें जो बेटर लगे वो तुम सिलेक्ट करो, लेकिन उसमें से तुम्हें एक किताब चूज करनी है, एक बुक को चूज करना है और उसी बुक को तुम्हें एंड तक, जब तक तुम्हारा जून एग्जाम नहीं हो जाता तब तक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसी बुक को फॉलो करना है. सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉर्सेट. आई होप यू ऑल डूइंग वेल एंड ऑल्सो कि तुमने अभी स्टार्ट कर दिया होगा प्रिपरेशन फॉर AIIMS BSc नर्सिंग 2025 के लिए. अगर नहीं किया है तो बेटा आज से कर लो, क्योंकि आज नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे. टफ कॉम्पिटिशन है. लास्ट ईयर जो बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका नहीं हुआ वो भी इस बार तुम्हारे साथ कॉम्पीट करेंगे. जिन बच्चों का नीट में सिलेक्शन नहीं होता वो भी तुम्हारे साथ कॉम्पीट करेंगे, और तुम्हें तो ऑलरेडी इसके अंदर हो ही कॉम्पीट करने के लिए. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर से यहाँ पे ऑलरेडी इंक्रीज होने ही वाले हैं. प्रिपरेशन तुम्हारी A1 लेवल की होनी चाहिए अगर तुम इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो. नीट से कम मत समझना, नीट के बराबर ही है. इनफैक्ट इसके जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो नीट से भी ज्यादा टफ आते हैं. डरा नहीं रही, समझा रही हूं. अभी से अगर इस चीज को कर लोगे तो डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो. अगर आज इसको सीरियस नहीं लिया तो कभी ये एंट्रेंस एग्जाम आपका क्रैक नहीं होगा. उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कोई गाइडेंस नहीं ली है, नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए. अगर तुम कोर्स लेना चाहते हो तो उसपे AIIMS BSc नर्सिंग के लिए स्पेशल कोर्स है. अब मैं यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करूंगी. बच्चे बोलते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं दीदी, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दो जहां से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है. मैं तुम्हें एक चीज की गारंटी देती हूँ, जो टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट के क्वेश्चंस, जो कोर्स के अंदर चीजें बताई है मैंने, वही सेम एग्जैक्ट कॉपी आपकी आएगी फाइनल एंट्रेंस एग्जाम में. लास्ट ईयर के बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स ऑलरेडी लिया था, तुम उससे अगर कॉन्टेक्ट कर सकते हो तो उनसे बात करके ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि यहां से बहुत सारे एज इट इज क्वेश्चन आपके सेम क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे. तो तुम्हें टॉपिक्स तो हर जगह से मिल जाएंगे, लेकिन वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं जिनसे तुम्हारा ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक होगा, वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस तुम्हें कहाँ मिलेंगे, नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे, जो AIIMS के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया है कोर्स, जिसके अंदर स्पेशल क्वेश्चन है जो आपके फाइनल एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं. तो इट्स अप टू यू, तुम्हें ज्वाइन करना है, वेल एंड गुड है अगर तुम क्रैक करना चाहते हो तो. अदरवाइज जैसे भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो. बस एक ही बात बोलूंगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना. आज जितना डेडिकेशन है उस एग्जाम वाले दिन तक उतना ही डेडिकेशन, उतना ही तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए. चलिए फोकस करते हैं अपने वीडियो पे, एंड दैट इज कौन कौन सी बुक है जो हमें फॉलो करनी है इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए. तो सबसे पहली बुक यहाँ पे आती है आपके पास एनसीईआरटी. तुम किधर भी भटक जाओ लेकिन अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो भाई तुम कितना भी बेस्ट कोचिंग ज्वाइन करके कितनी भी बेस्ट टेस्ट सीरीज ले लोगे, ये एंट्रेंस एग्जाम तो तुम्हारा क्रैक होने से रहा अगर तुमने एनसीईआरटी फॉलो नहीं की तो. ये प्लीज मार्क दैट सेंटेंस कि एनसीईआरटी को फॉलो करना ही है किसी भी कीमत पे. अब यहाँ पे मैंने तुम्हें एक चीज बोली है कि एक बुक को पढ़ना है, वो एक बुक क्या होगी. देखो एनसीईआरटी जो है वो साइड के लिए है, वो तो तुम्हें पढ़ना है बाय हुक एंड बाय क्रुक, वो बुक तो तुम्हें फॉलो करनी ही है चाहे किसी भी सूरत में करनी पड़े. लेकिन यहाँ पे एक होती है आपकी हेल्प बुक होती है, तो एक साइड बुक होती है जो तुम्हारे लिए प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है, जिनसे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, अपनी प्रैक्टिस करते हो. कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट मैं यहाँ पे ऐड करने चाहूंगी मोर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना ईजी हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से यहाँ पे एक चीज बता दू, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सिंपली जो चीज मैंने फॉलो करी थी अपने टाइम पे वही चीज तो मैं बता रही हूँ, जो चीज मैंने देखी है
उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता रही हूँ यहाँ पे चीज। आपके पास एक बुक होती है फिंगर टिप्स करके, तो जो फिंगर टिप्स बुक है वो आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। एक मैं आपको सैंपल दिखाती हूँ, दिस इज एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, आपको दिख रही होगी, केमिस्ट्री की है, ठीक है, केमिस्ट्री की फिंगर टिप्स है। और ये बुक्स मेरे पास है, दैट्स वाई मैंने इनको रिव्यू किया है। और मैंने आपको, मेरे पास सिर्फ ये बुक नहीं है, बहुत सारी और भी बुक्स हैं जो बीएससी नर्सिंग के लिए है। बच्चे बार बार पूछते हैं कि दीदी ये वाली बुक बताओ, ये वाली बुक बताओ, कैसी है कैसी है, तो उसके लिए मुझे उन बुक्स को लेना पड़ता है, उनको रिव्यू करना पड़ता है कि वो बुक्स कैसी हैं, कैसी नहीं है, क्या तुम उसके साथ जा सकते हो या नहीं। तो सबसे फर्स्ट मैं रिकमेंडेशन देती हूँ यहाँ पे तुम्हें फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स का। फिजिक्स का तो डेफिनेटली तुम्हें लेना ही लेना है अगर तुम चाहते हो एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 स्मूथ वे में अगर तुम्हारा क्रैक होके तुम्हें अपना मनचाहा ड्रीम एम्स मिल जाए, तो उसके लिए फिंगर टिप्स तुम्हें फिजिक्स की तो डेफिनेटली लेनी है। उसके बाद आती है तुम्हारी केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो फॉलो करनी ही करनी है, अगर तुम फिंगर टिप्स ले लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड द लास्ट बायो, बायो के लिए तो मैं यही रिकमेंड करूंगी एनसीईआरटी पढ़ो जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, उसके बाद अगर तुम्हें एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए फिर से अगेन फिंगर टिप्स बुक। और इन बुक्स की पूरी सेट आती है, तो हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में तो है ही अवेलेबल, हिंदी में भी अवेलेबल है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक सेकेंड बुक यहाँ पे मैं बोलूंगी तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए अभी तक मार्केट में मेरे अकॉर्डिंग तो कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। अगर तुमने मेरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, कोर्स ज्वाइन कर रखा है, तो उसके अंदर तुम्हें 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, तुम वहां से इजी वे में देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बट अगर तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो तुम यहाँ पे अगेन नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जो आपका एम्स बीएससी नर्सिंग होता है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके लास्ट नीट ईयर के क्वेश्चन ही होते हैं, तो तुम वहां पे ये प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक थर्ड बुक होती है जो बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं कि क्या ये बुक सही है, वो कुछ गोटो गाइड करके कोई बुक है, दिशा पब्लिकेशन आई गेस, तो उस बुक को तो मैं प्लीज यहाँ पे क्रॉस कर रही हूँ, ऐसी वाली बुक बिल्कुल नहीं लेनी है। मुझे नहीं पता ये बुक किसने लिखी है, क्या लिखी है, क्या नहीं लिखी है, बट इस बुक को करके तुम एम्स तो नहीं क्रैक कर सकते हो। मुझे नहीं पता उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, वो कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कभी नहीं आए हुए हैं एम्स बीएससी नर्सिंग में। तो मेरी तरफ से तो उस बुक के लिए बिल्कुल ही डोंट रिकमेंडेशन वाली बुक है वो मेरे लिए, बट आपके ऊपर है, अगर आपको अच्छी लगती है तो यू कैन फॉलो। एंड इसके अलावा और कौन कौन सी बुक्स है जो तुम फॉलो कर सकते हो, लाइक तुम किसी कोचिंग में ज्वाइन कर रहा है, तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन की है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, लाइक एलन ही क्यों ना ज्वाइन किया है, अगर तुम्हें वहां पे मॉड्यूल मिल रहा है और तुम चाहते हो कि तुम उस मॉड्यूल को पढ़ो, तो मैं एक ही बात बोलूंगी, एक बुक फॉलो करनी है, या तो तुम फिंगर टिप्स को फॉलो करो या तो तुम अपने मॉड्यूल को फॉलो करो, दोनों एक साथ करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी और क्रैक नहीं होगा ये एंट्रेंस एग्जाम। एक बुक को फॉलो करना है और वो भी बहुत अच्छे से, 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार कर सकते हो, बट बुक एक ही फॉलो करना। तो या तो तुम अपने फिंगर टिप्स फॉलो करो जो कि मेरे लिए तो यूनिवर्सल है, दूसरा तुम अपने कोचिंग का अगर मॉड्यूल फॉलो करना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम्हारे टेस्ट उसी के अकॉर्डिंग हो रहे हैं तो तुम वही फॉलो कर सकते हो, तो तुम वो फॉलो कर सकते हो, बट एक ही बुक एंड तक फॉलो करना है। सो दिस इज ऑल फॉर व्हाट आर द बुक्स यू शुड फॉलो टू क्रैक दिस एंट्रेंस एग्जाम। बाकी अगर और कोई भी चीज मुझे ऐसा इम्पॉर्टेंट लगेगी तो मैं जरूर कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी। एंड अगर आपकी तरफ से कुछ लगता है कि और कुछ ऐड ऑन करना चाहिए, और कोई बुक है जिसमें मुझे रिव्यू करना चाहिए, तो वो भी मैं कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली तुम मुझे बता सकते हो। अब एक चीज यहाँ पे लास्ट ऐड करना चाहूंगी, जीके के लिए क्या करना है, जीके के लिए कुछ नहीं करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी चैनल पे जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा तो आपके जीके के हर एक टॉपिक के लाइव सेशन यहाँ पे चला करेंगे। बाकी अगर तुम्हें जीके की टेस्ट सीरीज लेनी है तो तुम्हें नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे मिल जाएगी। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, और एंड में लाइक जरूर कर देना, टाटा।